हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रियंका। फ्रेंड्स, जस्ट कल परसों ही मुझे क्वेरी आई थी जिसके अंदर मुझे ये पूछा था कि सीजन चेंज के अंदर बच्चों को कोल्ड कफ हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों का कोल्ड कफ कैसे दूर किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा जबरदस्त नुस्खा जिसको अपना के आप अपने बच्चों का कोल्ड एक दिन के अंदर अंदर, इवन के सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर गायब कर सकते हैं। गाइज, ये नुस्खा इतना इफेक्टिव है कि ये छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बिल्कुल बूढ़े इंसान तक भी ये जबरदस्त काम करता है। एंड अगर आपने ये नुस्खा अपना लिया, आई गारंटी यू कि आपके बच्चे का कोल्ड सिर्फ 2 घंटे के अंदर गायब हो जाएगा। तो जल्दी से जानने के लिए देखते हैं ये पूरा वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, गर्मी है, देखिए कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे फटाफट से स्कूल से आके ठंडा पानी पीते हैं, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, खेल के आते हैं तो ठंडा पानी पी लेते हैं, कुछ भी एकदम से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, एकदम पसीने में भी है जो जाकर नहा लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनको एकदम से कोल्ड पकड़ लेता है। कोल्ड की वजह से उनको कॉन्टिन्यूसली उनका नाक बहना, गले में दर्द रहना और सिर में दर्द रहना, और इवन के खुल के वो सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब बच्चे रात को नहीं सो पाते हैं, मम्मीज को परेशान करते हैं, इवन के मदर्स की नींद भी जो है रात को डिस्टर्ब होती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों का कोल्ड जल्दी से चला जाए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो स्पेशल नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ वो है स्वेटिंग, यानी कि हमारा पसीना। देखिए, कोई दवाई नहीं है, कोई होम रेमेडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है पसीना। ये नुस्खा मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ, पर जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिनको उसके बारे में नहीं पता है या डिटेल में जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो वो ये वीडियो से पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं आपको बताती हूँ नुस्खा है क्या। एक्चुअली जब भी आपके बच्चे दोपहर में या जब भी आपके बच्चे नैप लें, अराउंड 1 घंटे की या 2 घंटे की नैप लें, उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने बच्चे को जम के पसीना आने देना है। क्या होता है कि जब बच्चे सोते हैं तो उस टाइम पे नेचुरली ही उनका मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज होता है और उनके अंदर से पसीना जो है निकलने लगता है, राइट। तो जब पसीना निकलता है तो वो ऑलरेडी हमारे नाक के अंदर जो पसीने की वजह से, जो कोल्ड वगैरह की वजह से जमा हुआ बलगम होता है, वो सॉफ्ट होने लगता है और बच्चों का नाक खुलने लगता है। तो अब आपको क्या करना है कि वैसे भी आजकल गर्मियां हैं तो आपको बच्चों को ढकने की जरूरत नहीं है, नेचुरली आप पंखे वगैरह भी बिल्कुल बंद रखें और बच्चे को बिल्कुल पसीना आने दें। बच्चा जब एक बार सो जाए तो आप बिल्कुल एसी फैन बिल्कुल बंद कर दें। आई नो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर लेकिन बहुत दिनों की सफरिंग को रोकने से बहुत अच्छा उपाय है कि आप सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने बच्चे को बिना पंखे के, बिना एसी के सुला दें। आप ये दिन में भी ट्राई कर सकते हैं, रात में भी ट्राई कर सकते हैं। रात में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप लोग खुद भी सोते हैं तो नींद डिस्टर्ब होती है बच्चे की भी और आपकी भी। तो दिन में अपने बच्चे को बिल्कुल बिना पंखे और एसी के सुलाएं। ऐसा करने से उसको पसीना आएगा, पसीना आने से उसका नाक खुल जाएगा, और अगर वो कॉन्टिन्यूसली बच्चा 1-1.5 घंटे तक इसी तरीके से सो जाता है, पसीने के अंदर अच्छे से सो जाता है, तो डेफिनेटली 1.5-2 घंटे के बाद उसका नाक कंप्लीटली खुल जाता है और उसको कोल्ड से बिल्कुल राहत मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये नुस्खा मैंने बहुत बार ट्राई किया है वियान के ऊपर। आई ऑलवेज ट्राई द सेम थिंग, जब भी उसको कोल्ड होता है तो आई ऑलवेज ट्राई दिस थिंग के 1 घंटे के लिए अपना उसको पसीना आने दो, खूब पसीना आने दीजिए, ताकि उसका कोल्ड कफ जो है बिल्कुल एक दिन में ही ठीक हो जाए, राइट। तो यूजली क्या होता है कि बच्चों का मेटाबॉलिज्म हमसे ज्यादा होता है, राइट। तो जब वो सोते हैं तो उनके अंदर यूजली ज्यादा पसीना आता है, तो इसीलिए अगर आप रात में एसी वगैरह भी ऑफ रखते हैं तो भी बच्चे का कोल्ड काफी ठीक हो जाता है। नेचुरली हमें मेन चीज क्या चाहिए कि बच्चे को पसीना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये नुस्खा जरूर अच्छा लगा होगा। आप मेरे कहने से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे को दोबारा कोल्ड की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये नुस्खा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।